कुछ नौजवान आपस में मिल करके संगठन बना करके और जात मजहब से दूर, पार्टी दल संप्रदाय से दूर एक सामाजिक सेवा का काम कर रहे हैं। तमाम लावारिस लाशों का निष्पादन करना, उनका अंतिम संस्कार करना, वो भी बिना किसी सरकारी धन के, बिना किसी सरकारी राशि की सहायता के, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए मैं आया था और इनके आदेश पर, इनके अनुरोध पर यहाँ आ करके मुझे अच्छा लगा। सर, प्रदेश में जो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ऐसे प्रदेश सरकार के इस कार्य को किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, मैं हमेशा से एक प्रदेश का डीजीपी रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश का, आपका पड़ोसी प्रदेश बिहार जहाँ से मैं आता हूँ, और मैंने बहुत पहले भी कहा था और आज भी मेरे भाषण में आपने सुना होगा, मेरा स्पष्ट मानना है कि लड़ाई अपराध की संस्कृति के खिलाफ है और केवल सरकार नहीं लड़ सकती, तमाम जनता को ये लड़ाई लड़नी है। सरकार तो है, पुलिस है, लेकिन उसके साथ साथ अपराध की संस्कृति के खिलाफ पूरी जनता को खड़ा होना हो। और मेरी स्पष्ट मान्यता है कि अपराधी किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, किसी दल का हो, किसी संप्रदाय का हो, कोई भी हो, किसी भी अपराधी के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। अपराधी को किसी भी नाम पर, चाहे जात के नाम पर, दल के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर, जनता को समर्थन नहीं देना चाहिए। अगर अपराधी को जात के नाम पर, मजहब के नाम पर या दल के नाम पर आप समर्थन देंगे तो अपराधी की ताकत बढ़ती है, उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और जितना ज़्यादा जन समर्थन उसको प्राप्त होगा वो सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाता है, वो फिर वो बार्गेनिंग करने लगता है सर, और फिर अपराध की संस्कृति पैदा होती है। सर, आप अपनी बेबाक राय के लिए बहुत जाने जाते हैं और किशनन जी ने जो ये काम किया है बहुत बड़ा आयाम और इन्होंने साबित किया है, उन युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये काम निस्वार्थ रूप से कर रहे हैं? मैंने कहा, मंच से भी आपने सुना होगा कि सेवा का काम सबसे कठिन है, ये सबसे होता नहीं है, लेकिन जिसके मन में है, जहाँ भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता, तो बीज रूप में जिसमें सेवा करने का जज्बा है, चाहे कृष्णा जीवन के पूरी टीम को, लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ कैसे लोगों के काम में उनको सहयोग देना चाहिए, उनको आशीर्वाद। सर, मौजूदा आपने मन से कहा था वो मोश और इस तरह के भोजपुरी आंदोलन, वो गाजीपुर में क्या लड़ाई है भाई? हम कह रहे कि जनता आपस में इतनी बटी हुई है, हर जगह गली का झगड़ा, नली का लगा, खेत का झगड़ा, खलिहान का लगड़ा, बकरी का झगड़ा, खसी का झगड़ा, मुर्गा का झगड़ा, मुर्गी का झगड़ा, मोच का झगड़ा, पोच का झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, बेटा बेटी में झगड़ा, बाप बेटा में झगड़ा, सास पतोह में झोंटा झोंटी, नोचा नोची, ये चेतना में कमी आई है, क्योंकि हमारा विचार इतना संकीर्ण हो गया है कि हम दो, हमारे दो के ऊपर हम सोच ही नहीं पाते हैं। जब हम समाज के बारे में सोचना शुरू करेंगे, जब हम राष्ट्र के बारे में सोचना शुरू करेंगे, तो हमारा विजन, हमारी दृष्टि व्यापक होगी। हम सब एक हैं, आपस में मिल करके रहना चाहिए और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब हम आपस में एक होंगे तभी ये राष्ट्र भी मजबूत होगा, हमारे कहने का मतलब। सर, मौजूदा समय में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? क्या ये बहुत जटिल विषय है, इतना संक्षेप में इस पर नहीं बोला जा सकता, इसके लिए आपको अलग से मेरा इंटरव्यू करना पड़ेगा। एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजन बा, बाकी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक ही माटी, एक ही खान पान, एक ही भाषा, एक ही बोली, एक ही रीत रिवाज, पहनावा इक्के बा, ऐसे तो पूरा हिंदुस्ताने एक बा, लेकिन गाजीपुर बलिया बक्सर तो बिल्कुल एक में गोटाइल बा, गुथाइल बा, ये अलग है ये नहीं। तो हमारे दिखला कि कौन हम नया जगह पर आयल बनी, नया आदमी के बीच में आयल बनी, पहला बार आयल बनी, लेकिन हमारे लगा था कि अपना घर ही आयल बनी, अपना भाइये लोग के बीच में आयल बनी, अपना माइये लोग के बीच में आयल बनी, तो हमारा उठपटांग नहीं खे लगा, उजबुझात नहीं खे मन, एकदम बुझात कि एकदम अपने आदमी के बीच में, अपने बीच में आयल बनी। तो इस सेवा के काम जौन हो रहा है, प्रेम जी, कृष्णा जी, इनका तमाम सहयोगी लोग, मैंने हम कृष्णा जी के या प्रेम जी के नाम लेते हैं तो खाली ये लोग के नाम लेके, ये लोग के साथ ही टीम में जे लोग जुड़ल बा, सबका प्रति हमार बहुत ही कृतज्ञता के भाव बा कि हमारा के मौका दिहल लोग रुआ सब के सामने आवे के, रुआ सबके संबोधित करे के, रुआ से मिले के, और सेवा के काम सबका से होके ना, ये बड़ा कठिन काम हो, क्योंकि वही अच्छा काम करब, अच्छा काम का अपना खातिर तो जानवर भी, चींटी भी, और पशु भी, पक्षी भी, सब खाएला, सब पैदा होला, सब मरेला,
कौन कहता है कि दुनिया सत्य है सपना नहीं है? कौन कहता है कि दुनिया सत्य है सपना नहीं है, जबकि अपना श्वास भी अपना नहीं है? जे पैदा भई बाऊ मरी, हिंदू होके तब मुसलमान होके तब ई जात के ऊ समाज के ई दल के ऊ दल के केहू आदमी जे धरती पर पैदा भइल बा ओकरा झगड़ा मोच के झगड़ा पोच के झगड़ा सब लोग मर रहल बड़न झगड़ा करके आपस में इतना द्वेष बढ़ुए। गांव के बात कहते हैं देहात छोड़ी गांव में रुआ चल जाए लोग अपना दुख से उतना दुखी नहीं जितना पड़ोसिया के सुख से दुखी बढ़ गलत बात की सही बात बा बोली इतना एक दूसरा से नफरत बा कि अपन एगो आँख फोड़ला से अगर गोतिया के पड़ोसी के दोनों आँख फूट जाओ तो बहुत लोग अपन एगो आँख फोड़ के आनर हो जाए कि चलो हम तो कहूँ से काम चला ले गोतिया बस सूरदास हो जाए। ये तरह के हाल जहाँ 80 साल में लोग जवान होला 80 साल की हड्डी में भी जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा पीर मर्दाना था। यह शाहबाद के बक्सर के आरा के धरती तो ओइजा से हम जब चलनी है आ जैसे गंगा जी हम पार करनी है तो हमारा सबसे पहले मंगल पांडे जी आ दिला अंग्रेजन के खिलाफ जे सबसे पहले बगावत के बिगुल फूकल कि गुलामी के जंजीर हम तोड़ब ओ वीर भारत माता के सपूत के नाम मंगल पांडे जे बलिया जिला के रहलन तो मंगल पांडे के धरती के हम प्रणाम कैनी हाँ। और बाद जब गाजीपुर में घुसनी हाँ तो कुटवा नारायण के पुर के बाद कटवा नारायणपुर आईनी हाँ तो हमारा पूर्वजन के धरती याद आई हाँ कि कोटवा नारायणपुर में आधा है नहीं हो जाता एक गांव में गाजीपुर आधा हो जाता बलिया और वही कोटवा नारायणपुर के बगल में वो गांव बा जाना गांव के नाम है सिरीपुर। एजे से हमारे बाबा दादा पूर्वज लोग जाके बक्सर में बस ले तो हम मूलतः हेजे के निवासी है तो ये हमारा वो माटी के प्रणाम कहनी है कि हमारे पूर्वज लोग यही गाजीपुर जिला से जा। नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता की बात को 2005 में संभाली तब से संगठित अपराध का वहाँ खात्मा हुआ। तारे संगठित अपराधी या तो जेल में बंद हैं या सजा याफ्ता हो चुके हैं या फिरार हो चुके हैं। अपराध फिर भी इक्के दुक्के होते हैं लेकिन कोई भी संगठित गिरोह कोई दादा बिहार में नहीं बचा है। और मुझे प्रसन्नता है कि अपराधियों के खिलाफ यहाँ की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार भी जिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है मुझे पूरा उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश भी एक दिन पूरी तरह से अपराध मुक्त होकर के रहेगा। मैं आप सबों का अभिनंदन करता हूँ।